हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विजय प्रकाश आपको अपने पिछले वीडियो में क्लास 7 फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। फ्रैक्शंस का हमने टाइप्स बताए थे, जिसमें से कुछ चीज बताना रह गया था, जिसे मैं अपने पार्ट सेकेंड में बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक क्या होता है। आज मैं इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले समझिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपको 8/4 ये फ्रैक्शन दिया गया है। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यदि लिखना हो तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो ही काम करेंगे, या तो नॉन जीरो नंबर के साथ इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर फोर में भी करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड। जैसे मान के कि मेरा नॉन जीरो नंबर 2 है, तो हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो उसी 2 से हम 4 को भी डिवाइड करेंगे, 4 को भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर मेरा 4 बाई 2 ये आया। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ 8/4 का। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके भी समझा देते हैं। जैसे 8/4 आपका फ्रैक्शन है, इसका इक्विवेलेंट कितना है। मान लीजिए कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में, ये 24/12 आया, जो कि इक्विवेलेंट है 8/4 का। अगर आपको इसे चेक करना है कि ये गलत है या सही है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 8/4 और 24/12 को चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो इसको चेक करने का तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 8 का मल्टीप्लाई 12 में, 8 × 12 और 4 × 24। आप देखिएगा कि जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो दोनों तरफ LHS RHS इक्वल नंबर आएंगे, यानी कि आपको यह साबित होगा कि ये दोनों जो है दिया गया फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। ठीक, अब आपको यूनिट फ्रैक्शन समझना है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कि इफ टू और मोर देन फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1, अगर दो या दो से फ्रैक्शन दिए गए हों और सबका न्यूमरेटर यदि 1 हो तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1/6, 1/7, 1/8 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे यूनिट फ्रैक्शन हैं। लाइक फ्रैक्शन, इफ टू और मोर देन फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर दो या दो से अधिक फ्रैक्शन दिए गए हों और सबका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी एक ही हो, और न्यूमरेटर अगर अलग अलग हो तो उसे हम लाइक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, 3/5, 4/5, 2/5, ये जितने भी देख रहे हैं ये यूनिट फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन समझ गए। अब अनलाइक फ्रैक्शन, यदि आपको 2 or more फ्रैक्शन दिए गए हों और सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे 4/5, 3/4, 9/8, यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम अनलाइक बोलेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस का डिफिनेशन होगा कि इफ टू और मोर देन फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। थैंक्स।